अगर आपका प्राइस बजट 9 लाख रुपए का है और इतने प्राइस में आप कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो कि सेफेस्ट रहनी चाहिए, लुक्स के मामले में बढ़िया हो, तो फिर आप टाटा एल्ट्रोस के XZ वेरिएंट को देख सकते हैं। इस कार से एक अपर मॉडल भी आता है जो कि XZ प्लस वेरिएंट है, पर लेकिन अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें सभी फीचर्स आपको टॉप मॉडल वाले मिल जाएं, आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी ना लगे, तो फिर वाला वेरिएंट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री और इसके अलावा काफी बढ़िया फीचर्स इस वाले वेरिएंट में आपको दिए गए हैं। एक करके हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, किस तरह के फीचर्स आपको इस कार में ऑफर करे जाएंगे। 8,60,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर ही आपको एक कार मिल जाती है। डीजल ऑप्शन और पेट्रोल ऑप्शन दोनों ही में कार मिलती है, तो काफी बढ़िया बात है। 8,60,000 भी जो प्राइस है ये पेट्रोल के लिए है, और अगर आप डीजल में लेते हैं कार 9,90,000 पीस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप डीजल ऑप्शन ले रहे हैं तो। प्राइस एंड आपको वैसे गाड़ी तो काफी सारी मिल जाएंगी, पर लेकिन आप हैचबैक में डीजल ऑप्शंस देखते हैं तो फिर आपके पास काफी कम ऑप्शंस रहेंगे, इसलिए इस गाड़ी को भी काफी पसंद करा जाता है। और सीएनजी ऑप्शन में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो इस टाइम मैं खड़ा हूं टाटा मिडास मोटर्स पर रुड़की उत्तराखंड में। अगर आपको कोई सी टाटा की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका शोरूम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार में भी है। सभी शोरूम्स की कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। तुझे भी चाहिए तो मैं स्कॉर्पियो से दूसरे की आपको समय की मिल जाएगी। कीलेस एंट्री रहने वाली है जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। फॉलो मी होम एडम का बटन हो गया, वो कार की बूट को भी आप इसके बटन से यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया टाटा का लॉक और दोनों की आपको इस कार में सेम दी जाती है। वो ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, अगर आप इस कार को फ्रंट से देखेंगे तो काफ़ी बल्की लगने वाली है। डायमेंशन वाइज पूरी गजब है गाड़ी। इस प्राइस रेंज में अगर आप गाड़ी देखेंगे तो हैचबैक में वो यहाँ पर हो गए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स रहने वाले हैं। यहाँ पर हो गया हैलोजन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको फोग लैम्प्स मिल जाएंगे, एलईडी आलर्स रहती हैं। वो ये इस कार की ग्रिल जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली है। यहाँ पर हो गया टाटा का लोगो। हेडलाइट से लेके दूसरी हेडलाइट तक आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी, वो पियानो ब्लैक फिनिश रहती है। और ओवरऑल कुछ सही लगती है फ्रंट से देखने में गाड़ी, पूरी गजब लगती है। और ये सेट प्रोफाइल इस कार की, मैंने आपको कार के लोअर वेरिएंट्स दिखाई दिए थे। गाड़ी के जो लुक्स है ना वो मेनली अलॉय व्हील्स में अच्छे लगते हैं। जैसे आप देखते हैं इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। 185/60 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है। और इंडिकेटर रहेगा फेंडर पर, जैसे आप देख सकते हैं। आप इसका टॉप मॉडल भी ले लेंगे, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको इंडिकेटर फेंडर पर मिलता है। ये रस्का का वार्डियम पियानो ब्लैक फिनिश का रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा, ए प्लर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर साइड आपको एंटेना मिल जाएगा। वो ये रहा डोर हैंडल, बॉडी कलर में रहेगा। और के सेंसर बटन मिल जाता है आपको यहाँ पर। पियानो ब्लैक फिनिश लाइन रहेगी, वो बी प्लर हो गया ब्लैक कलर का। वही रस्का का इंटीरियर जो कि 3-tone कलर में रहने वाला है, ब्लैक ग्रे एंड क्रीम कलर कॉम्बिनेशन रहता है, जिस वजह से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगेगा इसका इंटीरियर। वो फीचर से लोडेड भी रहने वाला है, आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगने वाली अगर आप इस कार के इंटीरियर को देखेंगे तो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्टिवली फोल्डेबल है इस कार की RBMs, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और एक और फीचर बता देता हूँ आपको, जैसे गाड़ी इस टाइम पे अनलॉक है तो जो RBMs हैं वे ओपन है, जो आप लॉक करेंगे जो RBMs हैं बिल फोल्ड हो जाएंगे। फिर जो ओवरऑल इस कार की सेट प्रोफाइल, जैसे आप देख सकते हैं 50 लाख कार्स की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी। 25 ईयर्स में 50 लाख कार्स सेल कर चुके हैं टाटा मोटर्स। यहाँ पर आपको बैक डोर हैंडल दिया जाएगा, फिर जो ओवरऑल कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जितनी बढ़िया इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगती है उतनी बढ़िया आपको बैक प्रोफाइल लगने वाली है, जिसे आप देख सकते हैं। वो यदि बैक प्रोफाइल बैक से देखने में आपको थोड़ी बहुत डुअल टोन की तरह लग रही होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। ऊपर साइड हो गया इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। रेडिफो का बोशा बाइफर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हो गया टाटा का लोगो, एल्ट्रोस की बेजिंग होगी यहाँ पर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये टेल लाइट हैलोजन रहने वाला है, इंडिकेटर बैक लाइट में भी। इस साइड हो गए दो पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स हो गए। फिर ओवरऑल को सही लगेगी इस कार की बैक प्रोफाइल, जैसे आप देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए आप इसके बटन को प्रेस कर सकते हैं, कीपर जो दिया गया है, पर लेकिन ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा तब ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पाँच शटर, लगेज लैंप हो गया यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेयर व्हील, प्रोफाइल छोटी रहने वाली है स्पेयर व्हील की। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। ऐसे अपने का सभी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाएंगे एक्सटीरियर से, आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगने वाली है। टॉप मॉडल वाली आपको फील आने वाली है गाड़ी में, भले से सेकंड टॉप मॉडल हो। इस कार का एक लोअर वेरिएंट आता है जो कि XT वेरिएंट है,
उससे सिर्फ 55,000 रुपीज एक्सपेंसिव वाला वेरियंट। आपको एलॉय व्हील्स मिल गए, रियर डिफोकोबोशर वाइपर हो गया और उसके अलावा काफी बढ़िया फीचर्स इस वाले वेरियंट में आपको दिए जाते हैं। इसलिए इस कार का जो वाला वेरियंट है ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और सबसे ज्यादा टॉप रिकमेंडेड है अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इतने प्राइस में। इस कार में आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन मिल जाएगा 1200 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करेगा 86 bhp की पावर, 115 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर में रहती है कार। बस बात ये रहती है अगर आप पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो आपको सेम ही मिलेगा जिस तरह आपको पंच में मिलता है। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, किस तरह के फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। बस मैंने आपको बताया दिया 3-tone कलर में इस कार का इंटीरियर रहने वाला है, देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और डोर रहेगा इसमें डुअल टोन कलर का, दोनों के यहाँ पर सिल्वर कलर का। चेयर पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी फोर लेवल है इस कार के RPMs। यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है, बटर स्पेस है, डिफरेंट स्पेस, स्पीकर बाहर से देखने को उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। ए ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का हो गया फीचर रिक्लाइन करने का। और मैं आपको एक बार बैक डोर भी दिखा देता हूँ इस कार का। पावर विंडो कंट्रोल, पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे दोनों के, सिल्वर कलर का फैब्रिक रहता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक नहीं मिलेगा, बट स्पेस है, डिफरेंट स्पेस और स्पीकर। अब मैं आपको इंटीरियर में चल के दिखा देता हूँ किस तरह के फीचर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो उस तरह का इस कार का इंटीरियर रहने वाला है, काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है और देखने में प्रीमियम भी लग रहा है। सबसे पहले स्टार्ट में इसके स्टीयरिंग व्हील से करूँगा, आपको यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स हैं और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए यहाँ पर। वेरस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8वें मीटर हो गया यहाँ पर, वेरस स्पीडोमीटर। बीच में आपको MID मिल जाएगा, इसमें इसके फ्यूल का कितना चलिए, कार क्या माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखती रहेंगी। यहाँ पर हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, लॉक अनलॉक के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। ड्राइवर साइड इजी वेंट, साइड में आपको सोलर फिनिश मिल जाएगी। वेरस सेंटर कंसोल इस कार का, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है, हरमन का रहेगा। एंड्रॉयड ओटीएफ का पहले के साथ रहता है, आपको यहाँ पर क्रोम भी मिल जाता है। हजार लाइट का बटन हो गया, एल्ट्रोस की बेजिंग और एम्बिएंट लाइट रहती है। नाइट में अगर आप गाड़ी को देखोगे ना इंटीरियर से तो बहुत ही प्रीमियम लगने वाली है। छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है, जिससे आप देखते हैं आपको नीचे एक साइड भी एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी और यहाँ पर साइड में भी रहती है। यहाँ पर होगी सिल्वर फिनिश, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC रहने वाली है, उस तरह कंट्रोल्स रहेंगे। यहाँ पर होगा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं है। आपको यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में कार को उस तरह का नोब रहेगा। यहाँ पर ग्रे फिनिश, यहाँ पर सिल्वर फिनिश। ड्राइव मोड को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है इको, सिटी, दो मोड्स आपको दिए जाएंगे इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। जो सा भी मोड आप एंगेज करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपकी MID में। यहाँ पर होगा कप होल्डर्स, मेरा सर का आर्म रेस्ट विद स्टोरेज, मेरा हैंड ब्रेक, ड्राइवर सा सनवाइजर। वैनिटी में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। वेरा कैबिन लैम्प LED में रहेगा, सनग्लास होल्डर हो गया, वॉइस कमांड के लिए हो गया पर माइक। वेरा कोड सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ, ग्रैब हैंडल। कुछ तरह की रहेंगी इसका फ्रंट सीट्स, जिसमें आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहने वाली जिन पर उस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। वेरा ग्लव बॉक्स इस कार का, काफ़ी बढ़िया साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया इस कार में। वेरा कोड डोर इस कार का, डोपनो का सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, बटर स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर और स्पीकर। तो ये तो बात रही फ्रंट सीट पर बैठकर आपको यहाँ पर जो भी फीचर्स मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए। अब चलिए फिर आपको इस कार की रियर सीट पर चलकर दिखाता हूँ, वहाँ पर इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो उतना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। लेग रूम हेड रूम बिल्कुल कमी नहीं है। पुलिस सीट बैठ उस तरह लगेगा डैशबोर्ड इस कार का, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आपको बैक में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट रहेगा यहाँ पर, अंदर थाई सपोर्ट भी गजब है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली है। यहाँ पर हो गया ग्रैब हैंडल, रेडी सी वेंट्स, आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, फ्लैट सरफेस मान सकते हैं आप। मेरा बैक डोर इस कार का, ओवरऑल उस तरह इसका इंटीरियर आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगने वाली है। सभी बेसिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे आपकी ज़रूरत के, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, चेयर पावर विंडो कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इंटीरियर इस कार का काफ़ी स्पेसियस लगता है, जैसे आप देख सकते हैं।
तो ओवरऑल इस कार का बोल रहा जो फीचर्स आपको इस इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए। अगर आपको इस वाले वेरियंट में फीचर्स की कमी लग रही है तो आप इस कार के अपर वेरियंट को देख सकते हैं जो की एक्सजेड प्लस वेरियंट रहने वाला है। उस वाले वेरियंट के लिए आपको 55,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फिर आपको इतने प्राइस में टैप रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, दो ट्विटर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बन टच डायन आपको ड्राइवर साइड विंडो मिल जाएगी, ब्लैक रूफ रहती है, प्रीमियम बाइपर दिए जाएंगे और 7 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। अगर आपके वाले फीचर्स वर्थ इट लगते हैं 75,000 रुपीज के प्राइस में तो फिर उस वाले इवेंट को देख सकते हैं। तो चलो आपको उसका किसी और इवेंट की वीडियो देखनी है या फिर किसी और कार का बुक देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।